अररिया के जोकीहाट में एटीएम लूट की बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है, जिससे पुलिस के पसीने छूट गए हैं। भेबरा चौक पर चोरों ने रात के अंधेरे में इस वारदात को अंजाम दिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक एटीएम में उस वक्त लाखों कैश मौजूद था, जिसे चोर अपने साथ लेकर गए हैं। आखिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया है, आइए देखते हैं। ये इंडिया वन का एटीएम है, जिसे पहले उखाड़ा गया है, फिर उसे बाहर निकाला है, उसके बाद लॉकर को तोड़कर कैश को लूटा है। पुलिस ने मौके वारदात से ग्लंडर मशीन, बैग, लुंगी, रॉड सहित कई सामान बरामद किए हैं। मामले की खबर मिलते ही अररिया डीएसपी पुष्कर कुमार ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। डीएसपी ने बताया, एटीएम में चोरी का प्रयास हुआ है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने रुपए की चोरी हुई है। उधर एटीएम से जुड़े अधिकारियों ने अब तक पुलिस को कोई लिखित आवेदन न दिया है कि कितने रुपए की चोरी हुई है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। एटीएम भेवड़ा चौक के पास था, इंडिया वन का एटीएम था, जिसमें अज्ञात चोर के द्वारा एटीएम तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया है, और उसमें हम लोग सीसीटीवी फुटेज से उसको खंगाले हैं, पता चला है और पता लगाया जा रहा है, और अभी ये लोग लिख के दिए भी नहीं है, जैसा लिख के देखा अभी जिस समझ कर रहे थे। सर, पैसे की निकासी हुआ है क्या? प्रयास किया गया ना, हम तो बोले कि एटीएम को तोड़ के पैसे निकालने का प्रयास किया है। हुआ नहीं है, पैसे निकला नहीं है अभी तक, लोग तो लिख के नहीं दिए हैं और ऐसे पता चल भी नहीं रहा है। जब ये लोग का बंगलोर से वहाँ पता चलेगा कि क्या हुआ है, पता चलेगा बस उससे।